पटना जंक्शन पर यात्रियों को अगस्त से एयरपोर्ट जैसे एग्जीक्यूटिव लॉन्ज की भी सुविधा मिलने जा रही है। इससे पहले नई दिल्ली, आगरा, जयपुर, सियालदह, अहमदाबाद और मदुरई में ऐसे एग्जीक्यूटिव लॉन्ज खोले गए हैं। जंक्शन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पूर्व साइड में जहां पहले फूड प्लाजा था, वहां दो फ्लोर का एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बन रहा है। इसे 22 जून तक ही पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन निर्माण एजेंसी के आग्रह पर एक महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। यानी निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य अब 23 जुलाई का है। इस कंपनी को पहले चरण में 9 साल के लिए एग्जीक्यूटिव लॉन्च का टेंडर अवार्ड हुआ है। अगर सेवा सही रही तो इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। यानी यह कंपनी 12 साल तक पटना जंक्शन पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च चलाएगी। लंबी यात्रा के बाद ट्रेन से उतरने के बाद कई ऐसे यात्री होते हैं जो जाने से पहले चाहते हैं कि कहीं अच्छे से उन्हें नहाने का मौका मिले, साथ ही बढ़िया भोजन भी मिल जाए। दूसरे शहर से आया कोई व्यक्ति अपना काम निपटाकर ट्रेन में चढ़ने से पहले बाथ लेना चाहता है। ऐसे यात्रियों के लिए एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में यह सब सुविधा होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि अभी पैकेज या कोई किराया तय नहीं हुआ है, उद्घाटन के बाद ही रेट तय होगा। वैसे अनुमान है कि एक घंटे के लिए कम से कम 150 रुपये देने होंगे। बताया जा रहा है कि जो सुविधाएँ मिलेंगी उसकी भी लिस्ट बताई गई है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और लाइट स्नैक्स से लेकर खाना तक मिलेगा। महिलाओं के लिए ज़रूरी सामान, मसलन कॉस्मेटिक आइटम भी मिलेगा। अखबार, मैगजीन, टीवी और इंटरनेट की फ्री सुविधा भी रहेगी। बच्चों के लिए वीडियो गेम और अन्य फन गेम की सुविधा दी जाएगी। जूते चमकाने की सुविधा रहेगी और कुछ काम करना हो तो बिजनेस सेंटर भी होगा। नहाने के लिए अलग से शुल्क देना होगा। शुल्क देने पर तौलिया, शैम्पू, साबुन आदि मिलेगा। भोजन के लिए 250 से 385 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। लाउंज हर दिन 24 घंटे खुला रहेगा। 24 घंटे भोजन की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। अब यह देखना होगा कि इस सुविधा का लाभ लोग किस तरीके से उठा पाते हैं, क्योंकि खाने पीने का रेट थोड़ा सा बजट में तो नहीं है, 250 से 350 रुपये का है, लेकिन यह लॉन्ज एग्जीक्यूटिव है तो ऐसे लोग जो इसमें आएंगे उनके बजट का ज़रूर होगा। प्रत्येक घंटा अगर 150 रुपये का किराया लगता है और इसके साथ खाना पीना जोड़ दिया जाए और नहाने का चार्ज जोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि कम से कम 600-700 रुपये में आप इस एग्जीक्यूटिव लॉन्ज का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि आपको सिर्फ आराम करना है तो मात्र 150 रुपये में भी आपका यहां पर काम चल सकता है, लेकिन पटना स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी यह सुविधा अगर शुरू होने जा रही है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को सुकून ही मिलने वाला है। ऐसे में देखा जाएगा कि अक्सर वो यात्री इसमें शामिल होंगे जो एसी से सफ़र करते होंगे, क्योंकि जनरल क्लास या फिर स्लीपर क्लास के लोग शायद ही इस एग्जीक्यूटिव सुविधा को अफोर्ड कर सकें। इसलिए पटना जंक्शन पर यह एग्जीक्यूटिव लॉन्च की सुविधा दी गई है जो एयरपोर्ट के तर्ज पर है, और आम लोगों में खास करके जो लोग थके हारे होते हैं या जिनके पास बजट है वो यहाँ पर इस सेवा का लुत्फ़ उठा सकते हैं।